गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं हो गई हूँ फ्री भोले बाबा की, क्योंकि आज सावन का 5वां सोमवार है। तो गाइज हमारे सासू माँ और ससुर जी आ गए हैं 84 कोस की परिक्रमा लगाने की। मैंने आपको बताया था ना वो 84 कोस की परिक्रमा लगाने गए थे, तो उनकी मतलब सासू माँ की हालत इतनी ख़राब हो गई है और उनको चला भी नहीं जा रहा, और दो दिन मतलब आज उनको दूसरे दिन है तो वो आराम कर रही है, उनके पैर में छाले वाले हो गए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए ब्लॉग। देखिए गाइज हम अपनी मम्मी से मिलाते हैं, अपनी सासू माँ से, वो परिक्रमा लगा कर आ गई हैं। देखिए ये बैठी, बताइए मम्मी आपको कैसा लगा परिक्रमा? अच्छा लगा था, खूब और खूब मजे आए थे और बढ़िया लगा था। कितने दिन में आई थी मम्मी आप? 10 दिन में आए थे। और देखो इनके पैर में छाले ही पड़ गए हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा। देखिए गाइज इनके पैर में छाले ही पड़ गए हैं और देखिए सारे पैर सूज गए हैं, इनकी पट्टी बन रही है और अभी मतलब ठीक नहीं है, 2 दिन हो गए हैं, अभी थोड़े टाइम लगेगा ठीक होने में। और मम्मी बताओ और क्या लगा वहाँ पे, कैसा रहा? खूब आनंद आए थे, खूब बढ़िया तरह से परिक्रमा लगी थी हमारी। और मतलब वहाँ पे रात को दिन में कैसे चलते थे? मतलब खूब आराम से सोते थे, खूब आराम मिलता था, खूब मजे आए थे रास्ते में चलने में। फ्रेंड्स हमारे मम्मी पापा 84 को उसकी परिक्रमा लगा रहा है, उन्हें बहुत आनंद आया। वहाँ कष्ट भी हुआ था थोड़ा बहुत चलने में, इनके पैर में छाले वाले पड़ गए और इनकी मतलब जो वो होती है ना मतलब थकावट वगैरह अभी गई नहीं है, 2-3 दिन हुए हैं, पैरों में भी दर्द रहता है। और क्या कि मैं आप भी कभी जाइएगा, पर सुनने में बहुत आसान लगता है और जब चलेंगे तब पता पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम तो कभी गए नहीं हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन है, गोवर्धन है, वहाँ की गए थे हम पिछली बार लगाने, एक रात के में पता पड़ गया था। और 84 कोस की तो बहुत लंबी होती है, हमारी मम्मी का पापा का बहुत वो है मतलब हिम्मत जो ये लोग गए थे इतने मतलब एज पर होने पर। मैंने बताया मेरी मतलब मेरे सासू सर जो है 84 कोस की परिक्रमा को गए थे, तो उनको कैसा लगा था वहाँ पे, मैंने मम्मी के मुँह से मतलब आपको बताया। तो प्लीज़ आप भी कभी जाइएगा, ये मतलब सावन के उसमें लोन के महीने में लगता है। ये क्या कर रहे हो बेटा आप? ये ना आपको आलू खिला रहा है, आपको आलू खा रही है, हमारे घर के दोनों शैतान बच्चे हैं किट्टू एंड कार्तिक। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।